हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नोके चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुबई से केरल आ रहे एयर इंडिया का विमान हुआ क्रैश। यहाँ दोस्तों 16 लोगों की मौत हो चुकी है और 123 यात्री अभी तक जख्मी हो चुके हैं ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पूरी जानकारी विस्तार से, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जी हाँ दोस्तों, दुबई से आ रहे केरल एयर इंडिया का विमान केरल के कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कारीपुर एयरपोर्ट के करीब था क्रैश हो चुका। ये विमान रनवे से जो है फिसलने के बाद घाटी में जा गिरा और दुर्घटना का शिकार हो गया। प्लेन में कुल 191 लोग सवार थे। डायरेक्टर एविएशन ने इस मामले के विस्तृत जांच के लिए आदेश भी दे दिए हैं। विमान हादसे में पायलट कैप्टन दीपक साठे समेत 16 यात्रियों की जगह पर मौत हो चुकी है, जबकि 123 लोग घायल हैं। इसमें से 15 की हालत गंभीर बताई जा रही है और दूसरे पायलट की मौत भी हो चुकी है। एक यात्री को छोड़ के बाकी सभी को प्लेन से निकाल लिया गया है और वह यात्रा भी अभी प्लेन के भीतर सुरक्षित है। बात करें हादसे के बाद राहत और बचाव के लिए टीम पहुंच गई है। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक इस फ्लाइट की उड़ान संख्या है IX1344। यह प्लेन दुबई से शाम 4:45 पर उड़ा था। प्लेन में सवार कुल 191 लोगों में 174 लोग वयस्क थे, 10 नवजात बच्चे, 2 पायलट, 5 क्रू मेंबर शामिल थे। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा था। कोझिकोड कारीपुर एयरपोर्ट पर राहत और बचाव कार्य के लिए कम से कम 15 एम्बुलेंस को लगाया गया है। विमान का आगे का नोच पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। विमान के अगले हिस्से में ही पायलट केबिन होती है, इसलिए दोनों पायलटों की जगह पे जो है मौत हो गई। दो हिस्सों में टूट गया प्लेन। जानकारी के मुताबिक शाम 7:41 पर लैंडिंग के वक्त प्लेन जो है रनवे से फिसलकर घाटी में गिरा था। फिलहाल घायलों और मृतकों की संख्या के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिल पाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारी बारिश के कारण रनवे पर जल भराव हो गया था और इसी वजह से प्लेन जो है रनवे से आगे निकल गया और लगभग 30 फीट गहरी खाई में जाकर गिर चुका। प्लेन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और इसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। विमान हादसे में 16 लोग जो है पूरी जी हाँ दोस्तों 16 लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं और उनमें से 123 लोग अभी भी जख्मी हैं। मलपुरम के SP से समाचार एजेंसी को बताया कि कोझिकोड एयरपोर्ट पर विमान हादसे में कुल 16 लोगों की मौत हुई और इसके अलावा हादसे में 123 लोग घायल हैं। इसमें 15 की हालत तो गंभीर बताई जा रही है। उधर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शारजहां में हेल्पलाइन नंबर भी जारी की है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी हेल्पलाइन नंबर की जरूरत है तो हम अपने कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। लोग अपडेट के लिए कॉल लगातार कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है कि लैंड करते ही 2 टुकड़े में जो है प्लेन जो है डिवाइड हो गया। और DGC के अधिकारी के बयान में बताया गया कि कारीपुर एयरपोर्ट के रनवे में नंबर 10 पर लैंड करने के बाद, जी हाँ नंबर 10, उसके बाद ये जो है फिसल गया क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा थी। पूरी तरह से एयरपोर्ट पर जो है पानी जो है फैला हुआ था, यानी जलमग्न हो गया था एयरपोर्ट, जिसकी वजह से पानी की वजह से रनवे साफ दिखाई नहीं दे रहा था और पायलट रनवे को छोड़ चुका था, यानी कि जहाज रनवे से आगे निकल चुकी थी और 30 फीट गहरी खाई में जाके गिर चुकी। और गिरते ही उसके आगे का जो हिस्सा है, जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और दोनों पायलट जगह पे ही जी हाँ दोस्तों अपनी जान से हाथ धो बैठे। पायलट कैप्टन दीपक साठे की हादसे में मौत हो गई। प्लेन उड़ा रहे थे पायलट कैप्टन दीपक साठे, और बात करें वायुसेना पायलट के थे। उन्होंने एयर इंडिया एक्सप्रेस 737 में जाने से पहले एयर इंडिया में एयरबस 310 के पायलट थे। FFA में सम्मान हासिल किया था और लड़ाकू विमान के भी पायलट थे। इसके अलावा वो HAL के ट्रेनी पायलटों भी रह चुके हैं, यानी हमारे पायलट पूरी तरह से जी हाँ जो है शिक्षित थे, सुशिक्षित पूरी तरह से थे, लेकिन जलमग्न की वजह से यह हादसा हुआ है। पर इसकी जांच के आदेश दे चुके हैं कि आगे क्या होता है। केरल के CM ने भी PM मोदी से बात की। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से करीपुर विमान दुर्घटना के बारे में फोन पर बात की। केरल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि कोझिकोड और मल्लुपुरम जिला कलेक्टरों और IG के अशोक यादव सहित अधिकारियों की एक टीम हवाई अड्डे पर पहुंची है और बचाव अभियान में भाग ले रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने जताया दुख। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घटना पर दुख जताया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस की विमान दुर्घटना होने की खबर सुनकर दुख हुआ। NDRF की टीम को घटनास्थल पर पहुंचने और रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने के लिए निर्देश दे चुके हैं।
जी हाँ दोस्तों, यह आप सभी के लिए और हमारे लिए जो है एक दुखद घटना है कि एयर इंडिया के 191 यात्री इस भयंकर दुर्घटना के जो है